फेरा बताया, कोरी फेरा की पूरी ऑब्जेक्टिव पोस्टर बना दिए विद थ्योरी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है। आज मैं आपको क्या बता रही हूँ, सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेटा जो है फाइव सिलेंड्रेटा कहलाता है। इसके आराम ने इसके पहले इसको क्या दंस के नाम से बताया, उसके बाद ल्यूकार्ट ने इसका नाम दिया। सिलेंड्रेटा का मेन फीचर क्या होता है कि सिलेंड्रेटा जो कि देह भित्ति जो पाई जाती है, तो देह भित्ति क्या होती है, खोखली होती है और कैसी होती है, जिसे सिलेंड्रॉन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि सिलेंड्रेटा जंतु में जो खोखली देह भित्ति पाई जाती है क्या कहते हैं, तो सिलेंड्रॉन नामक गुहा पाई जाती है। जठर वाहिनी भी गुहा भी कहते हैं। ये आप याद रखना कि सिलेंड्रेटा की जो देह गुहा है, देह भित्ति है, उसे क्या कहते हैं, जठर वाहिनी गुहा। जठर वाहिनी गुहा का मतलब आहार नाल की तरह ये कार्य करती है, क्योंकि ये भोजन का पचाने का काम भी करती है। जठर वाहिनी देह भित्ति को इसलिए नाम पड़ा, नामक गुहा पाई जाती है सिलेंड्रॉन गुहा, क्योंकि ये जठर वाहिनी यानी आहार नाल का काम करती है, भोजन को पचाने का काम करती है। तो एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि सिलेंड्रॉन नामक गुहा पाई जाती है, और किस नाम से जाना जाता है, तो जठर वाहिनी गुहा, जठर वाहिनी गुहा के नाम से जाना जाता है। इसको और कौन सी गुहा कहा जाता है, आहार नाल के समान कार्य करती है, क्योंकि भोजन को क्या है इसमें पचते हैं। ओके दैट्स क्लियर। इसी डेफिनेशन जो होता है, इसमें किस प्रकार की समिति पाई जाती है, आधी और रेडियल दो प्रकार की समिति। एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि सिलेंड्रेटा में किस प्रकार की समिति है, तो आधी समिति और ये रेडियल समिति होती है। शरीर का गठन किससे निर्माण होता है, इसका टिश्यू से, मुद्दों से इसके शरीर का निर्माण होता है, इसलिए सिलेंड्रेटा कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बड़ी, जिनके शरीर में समित आरी तथा रेडियल पाई जाती है और इनका शरीर मुद्दों से मिलकर बना होता है, इन्हें क्या कहा गया, सिलेंड्रेटा। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इनका शरीर किससे मिलकर बना हुआ होता है, आप किस में टिक लगाएंगे, घुटनों में लगाएंगे। इसके बाद इसके कैरेक्टर ये स्पंज से विकसित है, स्पंज से ज्यादा विकसित जीव, स्पंज थोड़ा कम थे उनसे ज्यादा विकसित जीव। ऊतक बनाने की प्रारंभ में भी अवस्था में ही चालू है, टिश्यू का निर्माण शुरू से ही इनमें रहता है। जंतु की समिति कैसी होती, आरी और द्विस्पर्शी समिति। द्विस्पर्शी मतलब एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। क्वेश्चन पूछ सकता सिलेंड्रेटा में किस प्रकार की समिति है, तो द्विस्पर्शी। कौन कौन सा है, एपिडर्मिस बाहर की तरफ, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस हो गया। एक ऑब्जेक्टिव ये बन जाता है, इसमें किस प्रकार की समिति पाई जाती है सिलेंड्रेटा में, आरी समिति और रेडियल समिति। फिर इसके बाद स्तर कितने प्रकार के पाए जाते हैं सिलेंड्रेटा में, दो प्रकार के। कौन कौन से, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस किधर पाया जाता है, बाहर की तरफ, और गैस्ट्रोडर्मिस किधर पाया जाता है, अंदर की तरफ। फिर इसमें प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। इसमें मेन सिम्टम है दंत कोशिकाएं पाई जाती है, किसी भी फाइलम में। इस फाइलम में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती, दंत कोशिकाएं। दंत मीन जो काटती है, चुभाती है कांटे के समान, तो दंत कोशिकाएं पाई जाती है। और ये दंत कोशिकाओं का फंक्शन क्या होता है, किसी भी भेद पर चिपकने का काम होता है, यह शरीर की रक्षा करने की आत्मरक्षा के लिए भी ये काम करती है, तथा इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है, विषैला पदार्थ। ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि दंत कोशिकाएं जो होती है, तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि दंत कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, किसमें पाई जाती है, तो आप किसमें टिक लगाएंगे, सिलेंड्रेटा में। दंत कोशिकाओं का काम क्या है, किसी के आधार पर चिपकने का या आत्मरक्षा के रूप में काम कर रही है। इनमें क्या पाया जाता है, विषैला पदार्थ, जिसे निमेस्टोसिस्ट कहते हैं। क्या पाया जाता है, निमेस्टोसिस्ट नामक पदार्थ, विषैला। निमेस्टोसिस्ट नामक जो दंत कोशिकाएं है, इसमें क्या भरा हुआ होता है, विषैला पदार्थ है, जहरीला पदार्थ, जो दंत कोशिकाओं का काम करता है। ओके इसके बाद इसका एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है ये क्या है, अमर जीव है। क्वेश्चन पूछ सकता है अमर जीव किसको कहते हैं, हाइड्रा को। क्यों, क्योंकि इसके शरीर में कोशिकाएं कंटिन्यू वृद्धि करती रहती है, बढ़ती रहती है, बनती रहती है, तो इसकी मृत्यु नहीं होती। तो मानना ऐसा है कि हाइड्रा को क्या कहा जाता है, अमर जंतु भी कहा जाता है। ओके इसमें बढ़ भी है हाइड्रा, ओवरी यही है दंत कोशिकाएं। ये देखिए दंत कोशिकाएं इसके द्वारा चिपक भी सकता है और क्या कर सकता है, अपनी आत्मरक्षा भी कर सकता है। इसमें निमेटोसिस्ट नामक पाया जाता है, इसमें विषैला पदार्थ भरा हुआ होता है। एक ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ सकता है कि सिलेंड्रेटा में किसी स्थान पर पॉइजन बनता है, तो निमेटोसिस्ट होता है, वहां पे क्या भरा हुआ होता है, पॉइजन पदार्थ भरा हुआ होता है, किसके अकॉर्डिंग, दंत कोशिकाओं के अकॉर्डिंग। ऐसा पूछा जा सकता है अमर जंतु किसे कहते हैं, हाइड्रा को कहते हैं। ओके क्यों, क्योंकि इसमें कोशिकाओं का विभाजन, कोशिकाएं विकसित होती रहती है कंटिन्यू। दैट्स क्लियर। इसके बाद एक उदाहरण है फाइसेलिया। फाइसेलिया को क्वेश्चन, इसको उल्टा जहाज के समान दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, ये
उल्टे जहाज के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं अपन, इसको पुर्तगाल का लड़ाकू जहाज भी कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि पुर्तगाल का लड़ाकू जहाज किसे कहते हैं, तो फाइसेलिया को कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें टेंटेकल्स भी और ये जो जिग-जैग फॉर्म में ये क्या है दंत कोशिकाएं, जिनमें क्या है नेमेटोसिस्ट भी कहा जाता है। क्लियर हो? इसके बाद ये जो गुच्छे समान दिखाई देते हैं गोनोफोर कहलाते हैं। गोनोफोर मतलब लैंगिक प्रजनन के लिए। क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइसेलिया में गोनोफोर पाया जाता है, किस काम में आता है, तो लैंगिक प्रजनन के लिए यूज होता है। फिर डेक्टो जॉइंट जो होते हैं ये मुखहीन होते हैं, जो गोनोजॉइट जो होते हैं ये भी मुखहीन और स्पर्शकहीन होते हैं, इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और फाइसेलिया किस तरह रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, याद रखना फाइसेलिया कॉलोनी बनाकर रहता है। इनमें टेंटिकल्स और दंत कोशिकाएं पाई जाती है, जो दंत कोशिकाएं इसको नेमेटोसिस्ट भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन मोस्टली पूछेगा है कि पुर्तगाल का लड़ाकू जहाज किसे कहा जाता है, तो फाइसेलिया को कहा जाता है। और ये किस समान दिखाई देता है, लड़ाकू जो जहाज होता है उसके उल्टे जहाज के समान दिखाई देता है। ओके, और हाइड्रोला को हाइड्रेला जो होता है उसको अमर जंतु कहा जाता है। क्यों? इसमें कोशिकाओं का बनती जाती है, इसमें नष्ट नहीं होती। देन इसमें दंत कोशिकाएं पाई जाती है, तो ऑब्जेक्टिव बन गया। सिलेंड्रेटा में कौन सी सेल पाई जाती है, आत्मरक्षा के लिए, तो दंत कोशिकाएं पाई जाती है। ये क्या स्रावित करती है विषैला पदार्थ, किस स्थान पर होती है, नेमेटोसिस्ट पर होती है। एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर इसके बाद ये बन सकता है कि द्विस्पर्शी समित पाई जाती है सिलेंड्रेटा में, हाँ कौन कौन सी होती है, एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस होती है। देन एक क्वेश्चन और बनता है, इनका शरीर का निर्माण किससे बनता है, ऊतकों से बनता है। एक क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है और ये थ्योरेटिकल भी है। ओके, थैंक यू।